नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। आज लेके आए हैं फ्रेंड झारखंड का एक पारंपरिक रेसिपी जिसका नाम है दुधौरी, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनके तैयार होता है, सिर्फ चीनी चावल और दूध से, जिसे बनाना जितना ही आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा यूनिक टेस्ट आता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, आपको आपके फैमिली को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चावल, किसी भी तरह का चावल ले सकते हैं, छोटे दाने वाले, बड़े दाने वाले, बासमती चावल, किसी भी तरह का। बस इसमें बॉइल्ड या फिर ब्राउन राइस को छोड़ के कोई भी चावल ले सकते हैं। और इसमें खीर बनाने वाला चावल लेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैंने भी छोटे दाने वाला चावल ले लिया है। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल थोड़े से भीग जाए। चावल को भिगो के लेने से इसकी जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। चावल भीग रहा है तब तक हम लोग दूध गर्म करेंगे, तो एक मोटे तले का यानी कि भारी बॉटम का बर्तन लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और उसमें 2 कप दूध यानी कि आधा लीटर दूध डालेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और जैसे ही ये दूध में बॉयल आ जाए, ये जो चावल हमने भिगो के रखा था आधा घंटा पहले, उसको ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम पकाएँगे। तो 10 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है फ्रेंड्स। और दूध इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप चावल के लिए शुरू में 2 कप चावल दूध डालेंगे। और दूध टोटल कितना लगना है वो मैं आगे बताती हूँ। तो पहले इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, नहीं तो चावल तले से चिपक जाती है, फिर जलने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए चावल में बॉयल आ गया है, 5 मिनट हो गया है इसे पकाते हुए। 5 मिनट में ये चावल जो है गाढ़ा होने लग गया है, जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे दूध भी एब्जॉर्ब करता जाएगा। और लगभग 10 मिनट के बाद ये देखिए दूध पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, और चावल जो है वो 50% यहाँ पे पका है, पूरी तरह से नहीं पका है, 50% पका है। और इस चावल को हमें पूरा पकाना भी नहीं है, इसलिए एक साथ बहुत ज़्यादा चावल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप चावल दूध और ले रही हूँ मैं, और इसे हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 10 मिनट हमने लो फ्लेम पे पका दिया था 2 कप दूध के साथ, और 1 कप दूध डालने के बाद फिर से हम 10 मिनट पकाएंगे। और इस चावल को हमें टोटल 70-80% ही कुक करना है, पूरी की पूरी तरह नहीं गलाएंगे। तो यहाँ पे लगातार चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और ये देखिए जैसे जैसे चावल पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो आपके घर में यदि चावल और दूध रखा है तो इस रेसिपी को आप मिनटों में बना के ट्राई कर सकते हैं, और अपने फैमिली को सरप्राइज कर सकते हैं इस बहुत ही नए तरीके की रेसिपी के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग हमने 15 से 20 मिनट इसको पका लिया है, और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इस पर क्या करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना हमें चावल पकाना था उतना ही ये पका है, ये चावल दब तो रहा है लेकिन पूरी तरह से मैश नहीं हो रहा है। अब इसमें 1 कप चावल और 3 कप दूध के साथ डालेंगे 3/4 कप चीनी। तो सेम कप या कटोरी से मेजर करें ताकि सारी चीज़ों का जो बैलेंस है वो सही रहे। बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं, ये मीडियम मीठा इससे बनेगा। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए। आप फ्लेवर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद चूंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगा तो 2 से 3 मिनट का टाइम और लगेगा, और इस स्टेज पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है तो चिपकता बहुत जल्दी है। और लगातार चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा और कर लेंगे बस कंसिस्टेंसी का। इस स्टेज पे जैसे ही चावल आएगा वैसे ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। तो जो भी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए या फिर जो टेक्सचर चाहिए दूध और चावल का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। जितना हमें पकाना था उतना ही ये पका है, ओवर कुक नहीं हुआ है। और इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हम इसे ठंडा नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद इसका जो मेन स्टेप है वो हमें करना है। चावल तो हमने पका दिया दूध में, अब क्या करना है, इसे मैश करना है। तो जब पारंपरिक तरीके से घर में गांव में बनाया जाता है तो इसे सील और बट्टे में पीसा जाता है। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में पीस सकते हैं या फिर हाथों से मसल के इसे स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे आलू मैसर का यूज करूँगी, यानी कि जिससे हम लोग आलू को मैश करते हैं उससे बहुत आसानी से हो जाती है। और पूरी तरह से चावल को ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाता है तो इसके दाने जो हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं या फिर सूख जाते हैं, जिसे ये मैश नहीं हो पाता है। तो इसलिए सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसे ठंडा करेंगे, थोड़ा नॉर्मल होने देंगे और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। लेकिन हमें इस चावल का पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनाना है, जस्ट जो खड़े खड़े दाने हैं चावल के उसके हमें तोड़ना है, यानी एक दरदरा सा टेक्स्चर वाला डो बना के हमें तैयार करना है इस चावल से। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और सारे चावल अच्छे से मैश हो जाते हैं।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल अच्छे से मैश हो गए हैं और ये इसका एक डो बनके तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह के टेक्सचर का हमें डो चाहिए। यदि चावल बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो भी ये रेसिपी नहीं बन पाएगी, और बहुत ज़्यादा कड़े हो जाएंगे तो भी ये टेस्टी नहीं बनेगी। तो बस इसके पकाने का जो टाइमिंग है और जो चावल को हमें पकाना है वो ध्यान रखते हुए इसे पकाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसे नहीं गलने देंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहने देंगे। तो ये देखिए, चावल, चीनी और दूध से बना हुआ ये डो हमारा तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हाथों को क्लीन कर लेंगे ताकि इसको हम अच्छे अच्छे शेप दे पाएं, और हाथों में तेल या घी थोड़ा सा लगा लेंगे। और आप अपने मनचाहा शेप और साइज में इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे असिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ और छोटे छोटे ही साइज में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर फ्राई करने में दिक्कत आती है। और ये इसी तरह के बनते हैं जो ट्रेडिशनली बनते हैं ना, वो इसी शेप में बनते हैं। तो इसी तरह से सारे से दुधौरी बना के तैयार कर लेंगे, और कुछ मैंने राउंड शेप में भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो सिर्फ एक कप चावल से देखिए ढेर सारे दुधौरी बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए आज मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। घी अवेलेबल नहीं हो तो आप तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं रखेंगे और मीडियम पे भी नहीं, दोनों के बीच में फ्लेम को सेट करेंगे। और इसमें हम दुधौरी को ऐड करेंगे। बस ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत ज़्यादा दुधौरी नहीं फ्राई करेंगे, 4 से 5 से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो जाने से उसे हमें मूव करने में, चलाने में दिक्कत होती है, जिससे कि वो टूटने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और दुधौरी को जैसे ही हम लोग घी या तेल में डालेंगे तो 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, क्योंकि वो उसको सेट होने में टाइम लगता है। जब उसका ऊपर का लेयर अच्छे से पक जाएगा तभी हम लोग हल्के हाथों से इसको मूव करेंगे, यानी कि उलट पुलट लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए, जैसे इसका ऊपर का लेयर ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद आप इसको चाहे जैसे भी पलटे, जैसे भी करें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है। ये फिर भी यदि आप को लग रहा है कि दुधौरी जो है फ्राई करते समय टूट रहा है, तो उसमें फ्लेम का दोष होता है, यानी कि फ्लेम यदि बहुत ज़्यादा लो पे है, यानी एकदम धीरे है, तो भी जो दुधौरी है वो धीरे धीरे सीखते सीखते टूटने लग जाता है। या फिर फ्लेम हाई पे है तो भी दुधौरी टूटने के चांसेस होते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हैं दुधौरी के, तो उसमें एक दो कमेंट ऐसे थे जिनका कि दुधौरी फ्राई करते समय टूट रहा था। तो बस यही कहना है कि दुधौरी फ्राई करते समय फ्लेम का खास ध्यान रखना है। यदि ज़्यादा है तो थोड़ा कम करके देख लें, और कम है तो थोड़ा ज़्यादा करके देख लें। फ्लेम को एडजस्ट करते रहिए तो दुधौरी बिना टूटे हुए, बिना फटे हुए, सारे के सारे एक जैसे बन के तैयार होंगे। और जैसे ही सुंदर सा कलर आ जाए वैसे हम दुधौरी को निकाल लेंगे कढ़ाई से। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे सारे एक साइज के, एक कलर के और एक ही टेस्ट के साथ ये हमारा दुधौरी तैयार है। अब इसे जो है कि सर्व करने का तरीका अलग अलग है, कहीं इसे चाशनी के साथ सर्व किया जाता है, कहीं दूध के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे प्लेन ही ऐसे खाते हैं। आपके यहाँ कैसे सर्व किया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज की रेसिपी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज।